आइए आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जेम पोर्टल में जब भी कोई बिड या टेंडर फ्लॉट होता है तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, जहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट मांगता है, तो वहाँ पे अक्सर वो ये बोलता है, एक उस पर फील्ड आती है या एक ऑप्शन आता है एटीसी का, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस का। तो बेसिकली एटीसी में तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसको हमें कैसे बनाना होता है वो आइए हम देखते हैं। एटीसी हम उस बिट के लिए, किसी भी बिट के लिए एटीसी कैसे बनाएंगे उसको आइए देखते हैं। जैसे कोई भी बिट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यही ले लेता हूँ, इस बिट को मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया रहता है बिट के बारे में, और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी दिया होता है। स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई कस्टम बिट होती है उसमें स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है। कस्टम बिट को पहचानने का भी ये एक तरीका होता है कि इसमें हमेशा ये एक डॉक्यूमेंट दिया रहेगा जिसमें स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिखा रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिएगा नीचे, और ये बायर एडेड बिट स्पेसिफिक एटीसी भी रहता है, इसको हमेशा डाउनलोड कर लेते हैं। अभी ये देखिए, इसको जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया, एटीसी का ये भी पार्ट होता है, ये भी एटीसी का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये भी, इसको भी हम एटीसी में ही इनबिल्ट करते हैं। यहाँ पर बाकी देखिए, मैं एटीसी हम कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपके कंपनी का लेटर हेड होता है या लेटर पैड होता है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी कंपनी का लेटर हेड है, फिर क्या करते हैं इसको मैं डिलीट कर देता, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपनी बिट पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा होता है ना, बायर एडेड बिट स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं इनको हम पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इस तरह से पॉइंट वाइज सारे जितने भी हैं हम इनको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका जो भी होता है इसको सेव करके हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको पूरा हम एक लिख लेंगे, एक बार पूरा रीड कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे कि कैसे क्या होता है। उसके बाद हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसमें जितने भी होते हैं वो सारे अपने स्टैम्प पैड लगा के अपना साइन करके इसको स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। स्कैन करने के बाद क्या करेंगे कि हमेशा जब भी इसी टर्म्स और कंडीशन में जहाँ पर भी ये लिखा होता है बायर एडेड बिट स्पेसिफिक एसीटीसी बायर अपलोड दिस, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस डॉक्यूमेंट को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, एंड इस पे सभी पेजेस पे जितने भी पेजेस होते हैं उस पे सभी पेजेस पे स्टैम्प लगा के उस पे साइन कर देते हैं, और उसके बाद इन सबको एक मर्ज करके एक पीडीएफ बना लेते हैं। एक मर्ज पीडीएफ बना लेते हैं जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यही है, ये है, ठीक है। मान लीजिए इसी बिट को मैं भर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यू कर दूंगा,
ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट प्राइस हो गया है, ये मैंने भर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी, सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी, ये देखिए यहाँ पर जो एटीसी दिया गया है, रिक्वेस्टेड इन एटीसी, एटीसी में ये देखिए यहाँ पे एटीसी बना हुआ है और एटीसी में ये सर्टिफिकेट को रिक्वेस्ट किया गया है। तो वही जो डॉक्यूमेंट्स जो हमने एटीसी बनाए हैं, उसके बाद यहाँ से जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे उन सबका क्या है, एक बंच बना लेंगे पूरा, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम वो कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बनाया भी है कुछ, बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको यहां से दिखाता हूँ इसको, ये देखिए एटीसी मैंने बनाया है, इस टाइप से ये कुछ बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका देखिए बिडर टर्म्स एंड कंडीशन सिग्नेचर है, उसके बाद हमने टेंडर की कॉपी लगा दी। आप इसमें पूरी टेंडर की कॉपी लगा सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने टेंडर की कॉपी लगा दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल, पैन, आधार, जीएसटी और आईटीआर, ये पूरा आईटीआर हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरह से हम इसका एटीसी कंप्लीट करते हैं। कोई भी बिड होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसका, इसमें इसी तरह से हम बिड उसकी तैयार करेंगे। पहले इसको अपने लेटर हेड पे लेके और उसके बाद यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में कि एटीसी कैसे बनाए, एटीसी कैसे बनाए। तो बहुत ही सिंपल है, बेसिकली वो इस पे डॉक्यूमेंट्स ही सारे मांगता है कि इसमें जो भी हमारे एटीसी होता है उसी को हम अपने लेटर हेड पे करके, पैन, आधार कार्ड, जीएसटी, बेसिक बेसिक चीजें लगा के, सभी को स्कैन करके, सभी में सिग्नेचर करके, सभी सभी में स्टैंप लगा के, हम उसको कंबाइन करके और जहाँ पर भी एटीसी के लिए बोलता है वहाँ पर हम उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर कभी भी आपको अब कोई भी बिट भरनी हो तो एटीसी इस तरह से आप बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सरल प्रोसेस है।